हमारा ये ब्रह्मांड अनेक प्रकार के आश्चर्यों से भरा हुआ है। हमारा ये ब्रह्मांड जिस तरह से काम करता है, उसे देखकर मनुष्य शुरू से ही इसके बारे में जानने की कोशिश करता रहा है। हर बार जब मनुष्य इससे जुड़े किसी भी एक राज को जान लेता, तब उसके सामने फिर से एक नया राज सामने आ जाता। हमारा ब्रह्मांड आज से करीब 14 अरब साल पहले अस्तित्व में आया था। शुरुआती दौर से लेकर आज तक इस ब्रह्मांड में लगातार निर्माण की और विनाश की प्रक्रिया चल रही है। इस ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने से लेकर के अभी तक यहाँ पर किसी न किसी कोने में हर समय कुछ नया अस्तित्व में आ रहा है, तो वहीं पर पुराना खत्म हो रहा है। ये ब्रह्मांड का एक रूटीन प्रोसेस है, जिसकी वजह से इस ब्रह्मांड का अस्तित्व अरबों सालों से बना हुआ है। हम जानते हैं कि इस दुनिया में हर एक चीज का निर्माण दिखाई नहीं देने वाले एक बेसिक पार्टिकल यानी एटम से हुआ है। एटम हर एक पदार्थ की बेसिक यूनिट है। जिस तरह से हम जानते हैं कि किसी भी मकान को बनाने के लिए हमें छोटी छोटी ईंटों की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह से किसी भी जीव को जन्म देने के लिए कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। ठीक इसी तरह से ये कोशिकाएं अनेक प्रकार के केमिकल कंपोजिशन से मिलकर बनी होती है। जब हम इसकी और गहराई में जाते हैं, तब हम पाते हैं कि ये केमिकल कंपोजिशन मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, और गहराई में जाने पर हमें पता चलता है कि ये मॉलिक्यूल इसकी बेसिक यूनिट एटम से मिलकर बने होते हैं। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि हमें दिखाई देने वाला ये संसार और दिखाई नहीं देने वाला संसार सभी एटम से मिलकर बने हैं। एटम से बने इस संसार में हम हर रोज एक वाक्य जरूर से सुनते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, सच के साथ झूठ जुड़ा होता है, अच्छे के साथ बुरा जुड़ा होता है। ठीक इसी तरह से हर एक चीज के साथ उसका एंटी एटीट्यूड जरूर से जुड़ा होता है। जब हम अपने आसपास की चीजों को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि ये सभी चीजें मैटर से बनी हुई है। तो सवाल ये उठता है कि जैसे सच के साथ झूठ जुड़ा होता है, दुनिया में हर चीज अपने दो रूपों में पाई जाती है, तो क्या उसी तरह से मैटर का भी कोई एंटी यानी एंटी मैटर होता है? तो जब हम ब्रह्मांड पर नजर डालते हैं, तो हम देखते हैं कि ये भी मैटर से भरा हुआ है। जब हम इस ब्रह्मांड को मैटर से भरा हुआ पाते हैं, तब हमारे मन में एक सवाल उठता है कि जब ये ब्रह्मांड पूरी तरह से मैटर से भरा हुआ है, तो क्या इसके एंटी मैटर ब्रह्मांड का भी अस्तित्व हो सकता है? क्या इस ब्रह्मांड में कहीं भी एंटी मैटर अभी भी मौजूद है? अगर ये मान लिया जाए कि इस ब्रह्मांड में अभी भी एंटी मैटर मौजूद है, तो फिर वो हमें दिखाई क्यों नहीं देता है? अगर एंटी मैटर मौजूद नहीं है, तो इस ब्रह्मांड का सारा एंटी मैटर कहाँ चला गया? इस ब्रह्मांड में हर समय हर किसी का विरोधाभास हर समय मौजूद होता है। अगर विज्ञान की भाषा में कहे तो हर चीज का एंटी रूप मौजूद है। ठीक इसी तरह से इस ब्रह्मांड को बनाने वाले पार्टिकल्स का भी एक एंटी रूप मौजूद है। इस एंटी मैटर पार्टिकल्स के चार्जेस मैटर पार्टिकल्स के पूरी तरह से अपोजिट होते हैं। इन विपरीत चार्जेस के अलावा एंटी मैटर पार्टिकल्स मैटर पार्टिकल्स से क्वांटम संख्या में भी अपोजिट होते हैं। मैटर और एंटी मैटर का मास समान होता है। जिस तरह से एक प्रोटोन होता है, ठीक उसी तरह से उसका एंटी प्रोटोन होता है। हम जानते हैं कि प्रोटोन पॉजिटिव चार्ज वाला एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। ठीक इसी तरह से एंटी प्रोटोन नेगेटिव चार्जेस वाला सब एटॉमिक पार्टिकल है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस दुनिया में हर एक चीज का एटीट्यूड मौजूद है। अब सवाल ये आता है कि क्या मैटर और एंटी मैटर साथ साथ रहते हैं? इस सवाल का जवाब सिर्फ ना में है, क्योंकि किसी भी पार्टिकल्स का जब उसके एंटी पार्टिकल से टकराव होता है, तो इसकी वजह से वो पार्टिकल खत्म हो जाता है। यानी जब पार्टिकल और एंटी पार्टिकल आपस में टकराते हैं, तो इससे विनाश होता है। टक्कर की वजह से गामा किरणें निकलती हैं, तो न्यूट्रिनो और कभी कभी छोटे छोटे एंटी पार्टिकल्स का जन्म होता है। इस टक्कर से बनने वाले एंटी पार्टिकल्स अलग अलग अनुपात में बनते हैं। पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स की टक्कर की वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। टक्कर के कारण निकलने वाली एनर्जी डिस्ट्रॉयड एनर्जी होती है। इससे निकलने वाली ऊर्जा का अधिकांश भाग आयनाइज्ड रेस के रूप में निकलता है। टक्कर के कारण निकलने वाली इन एनर्जी वेव्स के कारण जो भी मैटर इनके रास्ते में आता है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। एक पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स की टक्कर से
कितनी ऊर्जा निकलती है, इसकी कैलकुलेशन एल्बर्ट आइंस्टाइन के मास एनर्जी इक्वेशन से आसानी से निकाली जा सकती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्वेशन का मानना है कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो वही एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। जब मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो रिलीज होने वाली एनर्जी टोटल मास के प्रोपोर्शनल होती है। जिस तरह से हमारे इस संसार को रूप में लाने के लिए पार्टिकल्स और पार्टिकल्स आपस में जुड़ते ही जाते हैं, ठीक उसी तरह से एंटी पार्टिकल्स एंटी पार्टिकल्स से जुड़ करके एंटी मैटर बना लेते हैं। एंटी पार्टिकल आपस में जुड़ करके एंटी मैटर किस तरह से बनाते हैं, तो इसका जवाब ये है कि आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब एक पॉजिट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का ही एंटी पार्टिकल होता है, वो जब एंटी प्रोटॉन यानी प्रोटॉन के एंटी पार्टिकल से जुड़ता है, तब ये दोनों पार्टिकल्स आपस में जुड़ करके एंटी हाइड्रोजन एटम बना लेते हैं। इसी तरह से दूसरे एंटी एटम्स का भी निर्माण होता है। हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि जिस तरह से हमारे इस ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाने के लिए पार्टिकल पार्टिकल आपस में जुड़ करके एटम्स बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से एंटी पार्टिकल्स एंटी पार्टिकल से जुड़ करके एंटी मैटर बनाते हैं, और इस दौरान बना एंटी मैटर आपस में जुड़ करके एक नए एंटी मैटर वर्ल्ड को भी जन्म दे सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि हम अपने संसार में जितने प्रकार के मैटर को जानते हैं, सभी मैटर का एक एंटी मैटर जरूर होता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि हमारे पास जितना भी मैटर मौजूद है, ठीक उतना ही एंटी मैटर भी मौजूद होना चाहिए। लेकिन जब हम इस ब्रह्मांड पर नजर डालते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर एंटी मैटर गायब है। हमारा ये पूरा ब्रह्मांड मैटर से भरा हुआ है और यहाँ पर एंटी मैटर लगभग गायब है। फिजिक्स की दुनिया में ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि जब मैटर के बराबर ही एंटी मैटर होता है तो हमारे इस ब्रह्मांड से एंटी मैटर आखिर चला कहाँ गया। इन सवालों के जवाब पाने से पहले इस बात को समझना होगा कि एंटी मैटर से जुड़ी ये बातें कितनी पुरानी है। साल 1880 के दशक में विलियम हिक्स नाम के एक वैज्ञानिक ने ग्रेविटेशनल फोर्स पर अपनी रिसर्च शुरू की। अपनी इस रिसर्च के दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह से हर एक पार्टिकल्स का एक एंटी पार्टिकल्स होता है, ठीक उसी तरह से हमारे इस ब्रह्मांड में भी ग्रेविटेशनल फोर्स का भी एक अपोजिट रूप एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स भी मौजूद हो सकती है। उनका मानना था कि हमारे ब्रह्मांड में ऐसे पदार्थ उपस्थित हो सकते हैं जो एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स को पैदा कर सकते हैं। इसी तरह से थ्योरेटिकल रूप से चलने वाली एंटी मैटर की यह यात्रा साल 1880 से 1890 के दशक में एक दूसरे वैज्ञानिक कार्ल पियर्सन तक पहुंची। कार्ल पियर्सन ने स्क्वर्ट्स और ईथर नाम के ऐसे मैटर की परिकल्पना की जिसमें स्क्वर्ट्स नॉर्मल मैटर को रिप्रेजेंट करता था। वहीं दूसरी तरफ उनका मानना था कि जब स्क्वर्ट्स ईथर के प्रवाह में गति करता है तो यहाँ पर सिंक नाम का एक पदार्थ बनता है। पूरी तरह से स्क्वर्ट्स जैसा ही होता है लेकिन उसका चार्ज उससे अपोजिट होता है। यानी हम कह सकते हैं कि पियर्सन की इस डेफिनेशन में स्क्वर्ट्स नॉर्मल मैटर को रिप्रेजेंट करता है तो वहीं सिंक एंटी मैटर को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन बिना सबूतों के कुछ समय के बाद इन सभी सिद्धांतों को पूरी तरह से नकार दिया गया क्योंकि पियर्सन के ईथर को प्रवाह के लिए चौथे आयाम की जरूरत होती है। साल 1898 में आर्थर शुस्टर नाम के एक वैज्ञानिक ने पहली बार एंटी मैटर नाम का उपयोग करते हुए कहा कि मैटर की प्रॉपर्टी जैसे एंटी चार्जेस वाले पार्टिकल्स भी इस ब्रह्मांड में मौजूद रहते हैं। हम जानते हैं कि नॉर्मल पार्टिकल्स आपस में जुड़ करके एटम और एटम आपस में जुड़ करके मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। बाद में ये ही मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ करके मैटर में बदल जाते हैं और ये मैटर ही आपस में जुड़ करके हमारे इस वर्ल्ड को अस्तित्व में लाते हैं। जिस तरह से नॉर्मल पार्टिकल्स इस वर्ल्ड को बनाते हैं, ठीक उसी तरह से एंटी पार्टिकल्स जो कि नॉर्मल पार्टिकल्स से चार्जेस में अपोजिट होते हैं, वे आपस में जुड़ करके एंटी एटम बना लेते हैं। ये एंटी एटम आपस में जुड़ करके एंटी मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं और ये एंटी मॉलिक्यूल्स ही आपस में जुड़ करके एंटी मैटर बना लेते हैं और आपस में ये एंटी मैटर जुड़ करके हमारे जैसे सोलर सिस्टम का निर्माण भी कर सकते हैं जिसे हम एंटी सोलर सिस्टम कह सकते हैं। इसी के साथ आर्थर शुस्टर ने कहा कि हमें ये नहीं समझना चाहिए कि एंटी मैटर हमारे लिए खतरा नहीं है, बल्कि ये तो महाविनाश के ट्रिगर हैं।
जब पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स की आपस में टक्कर होती है, तब ये दोनों पार्टिकल्स आपस में टकरा करके एक दूसरे के अस्तित्व को ही खत्म कर देते हैं। यानी पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स की इस टक्कर में दोनों को ही खत्म होना पड़ता है। इससे तो यही स्पष्ट होता है कि अगर इस हमारे ब्रह्मांड में कहीं भी एंटी मैटर मौजूद हैं, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं, क्योंकि जब वो एंटी मैटर मैटर से टकराएगा, तब वो खुद के साथ साथ मैटर को भी खत्म कर देगा और इस टक्कर से निकलने वाली गामा रेस अपने रास्ते में आने वाले हर मैटर को खत्म कर देंगी, जिससे कि ये ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। एंटी मैटर का आधुनिक सिद्धांत क्वांटम फिजिक्स से आया है। साल 1928 में डिराक नाम के एक वैज्ञानिक ने देखा कि श्रोडिंगर का जो वेव इक्वेशन है, वो एक ऐसे पार्टिकल की भविष्यवाणी करता है जो पूरी तरह से उस पार्टिकल का अपोजिट पार्टिकल होगा। डिराक ने ही अपनी रिसर्च पेपर में इन एंटी पार्टिकल्स को एंटी इलेक्ट्रॉन नाम दिया। तो वहीं साल 1932 में कार्ल डी एंडरसन ने पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को ही पॉजिट्रॉन नाम दिया था। इस तरह से क्वांटम फिजिक्स ने हमारे सामने एक नई दुनिया की संभावनाओं को खोल करके रख दिया, जिसमें मैटर की जगह एंटी मैटर मौजूद हो सकता है। क्वांटम मैकेनिक्स में इस बात की पूरी संभावनाएं जताई गई हैं कि जिस तरह से हमारा ये ब्रह्मांड मैटर से भरा है, ठीक उसी तरह से दूसरा भी कोई ब्रह्मांड मौजूद हो सकता है जो पूरी तरह से एंटी मैटर से भरा हुआ हो सकता है। साल 1929 में जेनेट नाम के एक वैज्ञानिक ने एंटी पार्टिकल्स की थ्योरी पर काम करते हुए एंटी एटम से जुड़ी हुई पूरी एक आवर्त सारणी तैयार की। एंटी मैटर्स के लिए कहा गया है कि एंटी मैटर मैटर के ऑपोजिट बिहेव करते हैं। जिस तरह से मैटर आगे की तरफ गति करता हुआ चलता है, ठीक उसी तरह से एंटी मैटर पार्टिकल्स भी समय में पीछे की ओर यात्रा करते रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब हर एक पार्टिकल्स का एंटी पार्टिकल्स मौजूद है, तो ये एंटी पार्टिकल्स आए कहाँ से? क्या ये हमारे ब्रह्मांड में अभी भी किसी कोने में मौजूद है? अगर ये हमारे ब्रह्मांड के किसी कोने में आज भी मौजूद है, तो हम इनके बारे में कैसे पता लगा सकते हैं? हम जानते हैं कि आज से करीब 14 अरब साल पहले हमारा ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया था। इस ब्रह्मांड में दिखाई देने वाले सभी प्रकार के ऑब्जेक्ट्स और मैटर एक छोटे से पॉइंट में समाये हुए थे। करीब 14 अरब साल पहले ये पॉइंट अचानक से बढ़ने लगा और इसमें विस्फोट हो गया। इस विस्फोट की वजह से इस पॉइंट में भरी हुई इन्फिनिटी एनर्जी तेजी के साथ चारों तरफ फैल गई और देखते ही देखते स्पेस और टाइम अस्तित्व में आ गए। शुरुआती दौर में हमारा ये ब्रह्मांड पूरी तरह से प्योर एनर्जी से भरा हुआ था। इस प्योर एनर्जी से भरे ब्रह्मांड में चारों तरफ हाई एनर्जी पार्टिकल चक्कर लगा रहे थे। उस समय ऐसा माना जाता है कि पावरफुल ग्रेविटी की वजह से हाई एनर्जी पार्टिकल एक दूसरे के पास पास आने लगे थे। पास पास आते इन पार्टिकल्स को आपस में जोड़ने का काम पावरफुल ग्रेविटी ने किया। पावरफुल ग्रेविटी ने ही इस ब्रह्मांड में पहले एटम को जन्म दिया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पावरफुल ग्रेविटी की वजह से आपस में जुड़ते पार्टिकल्स ने ही लगातार चलती इस प्रोसेस के बाद इस ब्रह्मांड को मैटर से भर दिया होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि ठीक इसी समय पार्टिकल्स के साथ साथ एंटी पार्टिकल्स भी अस्तित्व में आए होंगे। वैज्ञानिकों का ऐसा इसलिए मानना है क्योंकि आज भी हमारे इस ब्रह्मांड में बहुत सी प्रोसेस ऐसी चलती रहती है के कारण लगातार एंटी पार्टिकल्स या फिर एंटी मैटर का जन्म होता रहता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे इस ब्रह्मांड में जब हाई एनर्जी पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं, तो इस कारण से एंटी पार्टिकल्स का जन्म होता है। ये एंटी पार्टिकल बहुत ही कम मात्रा में बनते हैं और जब ये बनते हैं, तब अपने आसपास के नॉर्मल मैटर से इंटरैक्ट होकर के खत्म हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब ब्रह्मांड के शुरुआती दौर में पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल समान मात्रा में बने हैं, तो हमारा ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया कैसे? तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जब नॉर्मल मैटर पार्टिकल्स और एंटी मैटर पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं, तब वे एक दूसरे के अस्तित्व को खत्म कर देते हैं। जब हमारा ये ब्रह्मांड पूरी तरह से नॉर्मल मैटर पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स से भरा हुआ था, तो इस बात की पूरी पूरी संभावनाएं हैं कि एंटी मैटर पार्टिकल और नॉर्मल मैटर पार्टिकल्स एक दूसरे से इंटरैक्ट जरूर हुए होंगे।
और इस इंटरैक्शन के कारण शुरुआती ब्रह्मांड में मौजूद नॉर्मल मैटर पार्टिकल्स खत्म होने लगा होगा। इस ब्रह्मांड में ये नॉर्मल मैटर पार्टिकल्स और एंटी मैटर पार्टिकल्स के बीच का युद्ध था। इस युद्ध को देखकर तो यही माना जा सकता है कि जब ये युद्ध खत्म होगा तब इस ब्रह्मांड का भी अंत हो जाएगा, क्योंकि इस ब्रह्मांड को बनाने वाले नॉर्मल मैटर पार्टिकल्स पूरी तरह से एंटी मैटर पार्टिकल्स के कारण खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब हम आज के इस ब्रह्मांड को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तो पूरी तरह से नॉर्मल मैटर पार्टिकल से ही भरा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब नॉर्मल मैटर पार्टिकल्स और एंटी मैटर पार्टिकल्स एक दूसरे को लगातार खत्म करते जा रहे थे, तब ऐसा क्या हुआ कि हमारे ब्रह्मांड में नॉर्मल मैटर पार्टिकल और एंटी मैटर पार्टिकल्स के बीच की इस लड़ाई में मैटर पार्टिकल जीत गया और नॉर्मल मैटर से भरा हमारा ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आ गया। वैसे आज भी हमारे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि किस कारण से एंटी मैटर पार्टिकल्स नॉर्मल मैटर पार्टिकल से हार गया, जबकि दोनों की संख्या इस ब्रह्मांड में समान थी। एंटी पार्टिकल्स इस ब्रह्मांड में अनेकों जगहों पर लगातार बनते और खत्म होते रहते हैं। हमारे इस ब्रह्मांड में एंटी पार्टिकल्स कहाँ कहाँ बनते हैं, इस पर नजर रखने वाली अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ने साल 2011 में घोषणा की कि तेज गर्जना करने वाले बादल भी एंटी पार्टिकल्स का निर्माण करते हैं, जिन्हें पॉजिट्रॉन कहा जाता है। तेज गर्जना वाले बादलों में पॉजिट्रॉन का निर्माण बादलों में पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है। जहां पर पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन बनते हैं, यहां पर बनते इन इलेक्ट्रॉन के कारण ही पावरफुल गामा रे बनती है। इन पावरफुल गामा रे के कारण बादलों में पॉजिट्रॉन बनते हैं। एंटी पार्टिकल्स इस ब्रह्मांड में कहीं पर भी बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर के कारण भी बन सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब ब्रह्मांड अपने शुरुआती दौर में काफी ज्यादा डेंस और गर्म था, तब उस समय ब्रह्मांड में लगातार पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स बन रहे थे। लगातार बनते पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से टकरा करके खत्म हो रहे थे। इसी हाई टेम्परेचर की वजह से ही ब्रह्मांड पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल से भर गया था। हमारे दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की चीजों को बनाने के पीछे पार्टिकल्स के साथ साथ उस पार्टिकल का ईविल ट्विन्स पार्टिकल भी जुड़ा होता है, जो चार्ज फैंस की दूसरी तरफ होता है। जब हम ब्रह्मांड के शुरुआती पलों में देखते हैं तो पाते हैं कि ब्रह्मांड पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल से भरा हुआ था, और इस वजह से हमारे इस ब्रह्मांड को एंटी पार्टिकल से भरा होना चाहिए था। साथ ही साथ यहाँ पर एंटी पार्टिकल नॉर्मल पार्टिकल्स की संख्या के बराबर ही मौजूद होना भी चाहिए था, ताकि एंटी मैटर का कुछ भाग ग्रहों को बनाने, तारों को जन्म देने और आकाशगंगाओं का विकास करने में अपना योगदान देता। लेकिन हमें तो ऐसा कुछ भी इस ब्रह्मांड में दिखाई नहीं देता है। हम जानते हैं कि एंटी मैटर का निर्माण हाई टेम्परेचर और हाई एनर्जी पार्टिकल से होता है। हमारे इस ब्रह्मांड में लगातार इस तरह की प्रक्रिया हर समय चलती रहती है, और हमारे इस ब्रह्मांड में हाई एनर्जी वाले पार्टिकल लाइट की स्पीड से ब्रह्मांड में चक्कर लगाते रहते हैं। तो वहीं आकाशगंगा से भी बड़ी संख्या में एंटी पार्टिकल्स इस ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। जब इस ब्रह्मांड में दो तारे एक दूसरे से टकराते हैं, तब भी बड़ी मात्रा में हाई एनर्जी वाली रेस निकलती है। इन हाई एनर्जी रेस की वजह से ब्रह्मांड में एंटी पार्टिकल्स बनते हैं। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि हमारे इस ब्रह्मांड में लगातार बनते एंटी पार्टिकल्स के कारण बड़ी संख्या में एंटी पार्टिकल्स का वजूद होना चाहिए। अगर इस ब्रह्मांड में एंटी पार्टिकल्स का एक अच्छा खासा वजूद होता तो इसका मतलब है कि हमारा ये ब्रह्मांड बहुत ज्यादा एनर्जी से भरा हुआ होना चाहिए। लेकिन जब हम इस ब्रह्मांड में अपनी नजर दौड़ाते हैं, तब हमें पता चलता है कि इस ब्रह्मांड में एंटी पार्टिकल्स की उपस्थिति के कारण जितनी एनर्जी मौजूद होनी चाहिए उतनी एनर्जी वास्तविकता में है ही नहीं। इसका सीधा सा अर्थ है कि हमारे इस ब्रह्मांड में एंटी पार्टिकल्स की संख्या या तो बहुत ज्यादा कम है या फिर ये वजूद में ही नहीं है। अब अगर ये माना जाए कि एंटी पार्टिकल्स की संख्या बहुत ज्यादा कम है या फिर एंटी पार्टिकल ब्रह्मांड में कहीं पर भी अस्तित्व में नहीं है, तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब पार्टिकल और एंटी पार्टिकल बराबर मात्रा में बनते हैं तो एंटी पार्टिकल हमारे इस ब्रह्मांड से कहाँ चले गए।
जब इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की जाती है, तब हमें इस सवाल के जवाब में बहुत सारी वैज्ञानिक थ्योरी मिलती है जो कि इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करती हैं। ऐसी बहुत सारी थ्योरीज में से एक थ्योरी का मानना है कि हमारा मानना ही गलत है कि ब्रह्मांड के जन्म के बाद पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का जन्म एक समान संख्या में हुआ था, जबकि सच तो यह है कि ब्रह्मांड के जन्म के बाद इस ब्रह्मांड में पर्याप्त मात्रा में ना तो नॉर्मल मैटर उपस्थित था और ना ही एंटी मैटर उपस्थित था। वजह से ये सवाल उठता ही नहीं है कि एंटी मैटर पार्टिकल्स गए कहां। लेकिन बिना सबूतों की इस थ्योरी को वैज्ञानिकों के द्वारा पूरी तरह से नकार दिया गया। लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है कि हमारे इस ब्रह्मांड का एंटी मैटर पार्टिकल्स वाला हिस्सा कहां गायब हो गया। शुरुआती समय में जब हमारा ब्रह्मांड उथल पुथल भरा हुआ था, जब नॉर्मल पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स के बीच इंटरैक्शन के कारण ये लगातार एक दूसरे के अस्तित्व को खत्म कर रहे थे, जहां एक तरफ लगातार नॉर्मल मैटर पार्टिकल्स और एंटी मैटर पार्टिकल्स खत्म हो रहे थे, तो वहीं उसी समय ब्रह्मांड में लगातार और ज्यादा संख्या में नॉर्मल मैटर पार्टिकल्स और एंटी मैटर पार्टिकल्स भी बन रहे थे। लेकिन अभी तक जितने नॉर्मल मैटर पार्टिकल्स बनते, ठीक उसी अनुपात में एंटी मैटर पार्टिकल्स भी बनते और एक दूसरे से टकरा करके एक दूसरे को खत्म भी कर देते। लेकिन अचानक से इस प्रोसेस में बहुत 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 ही छोटा सा बदलाव आया। वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय जितनी संख्या में एंटी मैटर पार्टिकल्स बन रहे थे, ठीक उसी संख्या से ज्यादा नॉर्मल मैटर पार्टिकल का भी जन्म हो रहा था। और जब मैटर और एंटी मैटर पार्टिकल्स एक दूसरे को खत्म कर देते, तो इस ब्रह्मांड में एक नॉर्मल मैटर पार्टिकल्स बच जाता। हो सकता है कि हमें ये बहुत ही ज्यादा अजीब लगे कि सिर्फ एक मैटर पार्टिकल्स का ही अस्तित्व बचा रहे और उसी एक नॉर्मल मैटर पार्टिकल्स के कारण इस ब्रह्मांड के विशाल काय ऑब्जेक्ट्स अस्तित्व में आ जाए। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि एक नॉर्मल मैटर पार्टिकल्स के बचे रहने पर भी हमारे इस ब्रह्मांड का निर्माण हो सकता है। इस तरह से ये ब्रह्मांड में नॉर्मल मैटर पार्टिकल्स और एंटी मैटर पार्टिकल्स के बीच बने इस इम्बैलेंस के कारण बहुत ही बड़ी घटना यानी मैटर से भरा हमारा ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आ गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये हुआ कैसे। तो हमारा ये ब्रह्मांड फिजिक्स के नियमों पर चलता है, जहां हर एक छोटे से पार्टिकल के लिए भी कोई ना कोई नियम मौजूद होते हैं। हमें लगता है कि ये नियम कभी टूटते नहीं हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शुरुआती ब्रह्मांड में ये नियम टूट जाते हैं। अपने शुरुआती समय में ये ब्रह्मांड फिजिक्स के नियमों को तोड़ता हुआ तेजी से चारों ओर फैल रहा था, जिसके कारण मैटर और एंटी मैटर पार्टिकल्स को एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर जाने का मौका मिल जाए और ये आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट होने से बच जाए। लेकिन ऐसा करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत थी और इस एनर्जी की पूर्ति ब्रह्मांड की शुरुआती एनर्जी से लेकर मैटर और एंटी मैटर पार्टिकल्स की टक्कर के कारण रिलीज हुई एनर्जी से हुई। यहाँ पर फिजिक्स के नियम इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि ब्रह्मांड के असंतुलन की सिचुएशन में इसे असंतुलित करने के लिए नियमों से परे जाकर पार्टिकल्स को काम करना पड़ा होगा। संतुलन की सिचुएशन में तो ब्रह्मांड अपने आप के अस्तित्व को बिना नियमों को तोड़े ही बनाए रख सकता है। आज भी हमारे पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि एंटी मैटर पार्टिकल्स इस ब्रह्मांड में कहां खत्म हो गए। हमारे इस ब्रह्मांड में एंटी पार्टिकल्स बनाने के काफी स्थान मौजूद हैं। आधुनिक वैज्ञानिक रिसर्च से पता चलता है कि ब्लैक होल और न्यूट्रिनो स्टार के सेंटर से एनर्जी जेट निकलता है। इस एनर्जी जेट में बड़ी मात्रा में पॉजिट्रॉन प्लाज्मा का निर्माण होता है और इस तरह से ब्रह्मांड में एंटी पार्टिकल्स का जन्म ब्लैक होल से भी होता है। अब सवाल ये उठता है कि जब एंटी मैटर पार्टिकल्स इस ब्रह्मांड में लगातार बनते रहते हैं, तो इनका कोई ना कोई उपयोग तो जरूर होता होगा, है ना? क्या हम अपनी लेबोरेटरी में एंटी मैटर पार्टिकल्स को बना सकते हैं? तो इसका जवाब है कि लगातार आगे बढ़ती विज्ञान की इस यात्रा में हर बार आगे बढ़ते विज्ञान के कदमों ने इस ब्रह्मांड में नए नए रहस्यों का पता लगाया है, तो वहीं विश्वास नहीं की जा सकने वाली चीजों को भी बनाने में सफलता प्राप्त की है। मतलब 2008 के नवंबर महीने में लॉरेंस की लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी ने गोल्ड के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान वैज्ञानिकों ने एक लेजर से गोल्ड के न्यूक्लियस को निशाना बनाया
इस लेजर की हाई एनर्जी बीम के कारण गोल्ड के नाभिक से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला गया। बाहर निकले इस इलेक्ट्रॉन के कारण हाई एनर्जी रिलीज हुई और इस हाई एनर्जी के चलते नॉर्मल मैटर पार्टिकल्स और एंटी मैटर पार्टिकल बने। ये दोनों पार्टिकल्स मिले और एक दूसरे को ही खत्म कर दिया। बाद में जब इस एक्सपेरिमेंट के आंकड़ों को एनालाइज किया गया तो पाया गया कि लेजर बीम की वजह से स्वतंत्र हुए इलेक्ट्रॉन से एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल यानी कि पॉजिट्रॉन बना था। इस तरह से पहली बार किसी लेबोरेटरी में एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल पॉजिट्रॉन को बनाने में सफलता हासिल हुई। 1959 यानी कि 1959 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एमेलियो सेग्रे और ओवेन चैम्बरलेन वैज्ञानिकों के द्वारा पॉजिट्रॉन की स्टडी की गई। उन्होंने बताया कि ये पॉजिट्रॉन प्रोटॉन से हर तरह से समानता दिखाते हैं, लेकिन एक पॉजिट्रॉन में दो अप एंटी क्वार्क और एक एंटी डाउन क्वार्क पाया जाता है। साथ ही साथ पॉजिट्रॉन प्रोटॉन से इलेक्ट्रिक चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड जैसे गुणों में पूरी तरह से अपोजिट होते हैं। साल 1956 में ब्रूस कॉर्क और उनके साथी वैज्ञानिकों ने लॉरेंस बर्कले नेशनल लेबोरेटरी में प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच टक्कर करवाई। इस टक्कर के बाद उन्होंने देखा कि इससे न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल एंटी न्यूट्रॉन बनता है। इस तरह से एक बार फिर से वैज्ञानिक लेबोरेटरी में दूसरे एंटी पार्टिकल्स को बनाने में भी कामयाब हो गए। इस तरह से साफ हो गया कि वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा भी लेबोरेटरी में आसानी से एंटी पार्टिकल्स को बनाया जा सकता है। इन रिजल्ट से उत्साहित होकर के वैज्ञानिकों ने एंटी न्यूट्रॉन और एंटी प्रोटॉन को आपस में इंटरैक्ट करवाने की कोशिश शुरू कर दी ताकि लैब में ही एंटी एटम को बनाया जा सके। 1965 में एंटोनिनो जिजीची और उनके सहयोगी वैज्ञानिकों ने अनाउंस किया कि उन्होंने सन लेबोरेटरी में एंटी पार्टिकल्स की हेल्प से एंटी ड्यूटीरियम के न्यूक्लियस को बनाने में सफलता प्राप्त कर ली है। 1995 में सर्न की लेबोरेटरी में एक एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ जिसे PS210 नाम दिया गया था। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान वैज्ञानिकों ने 9 बहुत ज्यादा हीट वाले एंटी हाइड्रोजन परमाणु बनाने की घोषणा की। इसी एक्सपेरिमेंट के बेस पर फर्मी लैब ने भी अपनी लैब में ऐसे 100 एंटी हाइड्रोजन एटम को बनाने का दावा किया। इस एक्सपेरिमेंट में बने एंटी हाइड्रोजन एटम बहुत ज्यादा एनर्जी वाले थे और अनस्टेबल भी थे, जिससे इनको स्टडी कर पाना पॉसिबल नहीं था। अब वैज्ञानिक स्टेबल और कम एनर्जी वाले एंटी हाइड्रोजन पार्टिकल्स को बनाने की कोशिश में लग गए ताकि उन्हें स्टडी किया जा सके। 2002 के लास्ट में एथेना परियोजना के तहत एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान एंटी प्रोटॉन को दूसरे एंटी प्रोटॉन से डिसलेरेटेड किया गया। इसके बाद इन्हें सोने की बहुत ही पतली लेयर से गुजारा गया और लास्ट में इन्हें पेनिंग मालमबर्ग ट्रैप की सहायता से ठंडा किया गया, यानी कि इसकी हाई एनर्जी को लो एनर्जी में कन्वर्ट किया गया। इस ट्रैप में शुरुआत में फंसने वाले एंटी प्रोटॉन अभी भी बहुत ज्यादा गर्म थे। इन्हें ठंडा करने के लिए इन एंटी प्रोटॉन पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा से मिलाया गया। यहाँ पर एंटी प्रोटॉन ठंडे एंटी प्रोटॉन में बदल गए और लास्ट में इलेक्ट्रिक प्रोसेस के द्वारा एंटी प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन को हटा दिया गया। इस एक्सपेरिमेंट के बाद एथेना ने अनाउंस किया कि वे पहले कम एनर्जी वाले और ज्यादा स्टेबल एंटी हाइड्रोजन एटम को बनाने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन एथेना के ये एंटी हाइड्रोजन अभी भी ज्यादा समय तक स्टेबल नहीं रह सकते थे। कुछ टाइम के बाद ही एथेना को भंग कर दिया गया और उसकी जगह पर अल्फा बनाया गया। 26 अप्रैल 2011 को अल्फा ने अनाउंस किया कि वे लैब में करीब 309 एंटी हाइड्रोजन एटम को बनाने में कामयाब हुए हैं। साथ ही साथ ये करीब 1000 सेकेंड यानी लगभग 17 मिनट तक स्टेबल भी रहे। तो इस तरह से पहली बार इतने ज्यादा स्टेबल एंटी हाइड्रोजन एटम को बनाने में कामयाबी हासिल की गई। एंटी मैटर को किसी भी सामान्य कंटेनर में इकट्ठा करके नहीं रखा जा सकता। इसे इकट्ठा करके रखने के लिए एक विशेष प्रकार के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक पावर से बने कंटेनर में रखा जाता है, क्योंकि नॉर्मल कंटेनर में रखने पर एंटी मैटर मैटर से रिएक्शन करके मैटर को और खुद को खत्म कर लेता है। एंटी मैटर को बनाना इस दुनिया का सबसे महंगा काम है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर हमें 10 मिलीग्राम पॉजिट्रॉन बनाना हो तो हमें इसके लिए करीब $250 मिलियन की आवश्यकता होगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम एंटी मैटर करीब $25 अरब में तैयार होता है। भले ही हम आज लेबोरेटरी में एंटी मैटर को बनाने में कामयाब हो गए हैं और हम उसे ज्यादा समय तक स्टेबल भी रख पाने में भी कामयाब हो गए हैं, लेकिन इसी के साथ धरती पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है।
हम जानते हैं कि जब मैटर और एंटी मैटर आपस में इंटरैक्ट होते हैं तो वे एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। इसलिए खतरा ये है कि अगर वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा एंटी मैटर को बहुत ज़्यादा बना लिया जाए और उनका उपयोग परमाणु हथियारों के साथ किया जाए तो वे हमारे इस ब्रह्मांड को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़े खतरे की घंटी है। कह सकते हैं कि एंटी मैटर अभी तक का सबसे भयानक और खतरनाक हथियार साबित हो सकता है, लेकिन अभी तक हम एंटी मैटर को बहुत ज़्यादा मात्रा में बना पाने में सफल नहीं हुए हैं। और अभी तक की एक्सपेरिमेंट भी इस बात की ओर इशारा करती है कि एंटी मैटर को बहुत ज़्यादा मात्रा में बना पाना संभव नहीं है। लेकिन लगातार बदलती तकनीक के कारण आने वाले समय में इस बैरियर को भी तोड़ दिया जाएगा, तब बड़ी मात्रा में हथियारों के लिए एंटी मैटर का उपयोग होने लगेगा। अमेरिका ने तो स्पेशल एंटी मैटर से बने हथियारों के लिए सेना को एक विशेष फंड भी आवंटित किया है, जिसका उपयोग एंटी मैटर वाले हथियार तैयार करने में किया जाएगा। सच में एंटी मैटर को बना करके हम एक बहुत ही बड़े खतरे की ओर बढ़ रहे हैं। इससे पहले दुनिया परमाणु बम के खतरनाक प्रभाव को देख ही चुकी है, और अब आने वाले समय में अगर हथियारों की ये दौड़ नहीं रुकी तो हम सब परमाणु बम से भी कई हजार गुना ज्यादा खतरनाक एंटी मैटर से होने वाली तबाही को देखेंगे।